सरदार, एक बुरी खबर है। क्या खबर है? सरदार इनाम उल्लाह खान खान ने आपके खिलाफ इलेक्शन मुकाबला देना था। उसकी इतनी मजाल? सरदार आपके मुकाबले में उसको वोट कौन देगा? हार तो उसकी यकीनी है, लेकिन उसने गुस्ताखी तो की है। सरदार इनाम खान कितरान, आप अपने वालिद के खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? इसकी क्या वजूहत है? अपना मौकिफ दें। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपने बाप के खिलाफ लड़ा हूँ, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। हकीकत में मैं आप लोगों की बका की जंग लड़ रहा हूँ। इस जालिम शख्स ने यहाँ पर कोई भी आज तक तलीमी इदारा नहीं बनने दिया कि यहाँ के लोग पसमांदा रहें, पढ़ लिख कर सरदारों का मुकाबला ना कर सके। आला तलीम हासिल करने के लिए अपने बच्चों को तो ये बाहर के मुल्क भेजते हैं। आला तलीम हासिल करने के बाद मुझे ये इल्म हुआ, लोगों के हक पर डाका डाला जा रहा है, वजह से मैं इस जालिम इंसान के खिलाफ खड़ा हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपका हक ले सकूँगा। दिलावर जी। सरदार क्या खबर है आज की? सरदार आजकल तो इनाम उल्लाह खान को मीडिया बहुत कवरेज दे रहा है, खास तौर पे उम्मीद टीवी वाले। शब्बीर जी। सरदार उम्मीद टीवी वालों को मेरे पास बुलाओ, अगर ना आए तो उन्हें जबरदस्ती उठा के ले आओ। सरदार जैसे आपका हुक्म हो। अस्सलाम वालेकुम सरदार, आपने हमें कैसे याद किया? बैठो। सुना है तुम्हारा चैनल इनाम उल्लाह खिदरान को बहुत बड़ी कवरेज दे रहा है। सरदार वो तो हमारा फर्ज है। तो फिर अपने फर्ज से गाफिल हो जाओ और जो मैं कहता हूँ वो करो। सरदार मैं तो हमेशा हक का साथ देता हूँ, और जो हक पर होगा मैं उसका साथ दूंगा। शब्बीर इसका मुंह बंद कर दो और इसे अच्छी तरह से समझा दो कि क्या करना है। ये रहा आपका तोहफा, आज के बाद सरदार के खिलाफ कोई खबर नहीं लगनी चाहिए। ये लो सरदार अपना तोहफा, ये सहाफत की कलम है, ये तोहफे तवायफ पर बिकने वाली कलम नहीं है। हम हमेशा हक और सच का साथ देंगे। सरदार मुझे तो लगता है ये सब शहर वाले लोग इनाम उल्लाह खान की बोली बोल रहे हैं। दिलावर मुझे भी लगता है कि इनाम उल्लाह ने लोगों के दिलों में मेरे खिलाफ नफरत भर दी है। अब मैं बताऊंगा लोगों को कि नफरत होती क्या है। दिलावर और शब्बीर मेरे खिलाफ उठने वाले तमाम सरों को झुका दो, और जो ना माने उन्हें उठाकर कैदखानों में डाल दो। ये हुक्म हो सरदार। सुना है सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान दो मानों पे बहुत जुल्म कर रहा है और उनको उठाकर कैदखानों में डाल रहा है। वो बुजदिल इंसान और कर ही क्या सकता है लोगों पर जुल्म करने के अलावा। महबूब अब हम मीडिया पर इसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगे और मीडिया हमारे साथ है। सरदार मैंने भी सुना है सरदार अब्दुर्रहमान ने मीडिया को भी खरीदने की कोशिश की है। सरदार कैद खानों में लोग भूख और बीमारी की वजह से मर रहे हैं। शब्बीर मरने दो उन्हें, मेरे खिलाफ उठने वाली जबानें हमेशा बंद होनी चाहिए। भाई जान महमूद, कितने दिन हो गए हमारे बच्चे सरदार ने कैद किए हुए। चलो चलते हैं, शायद आजाद कर दे। ये जालिम इंसान नहीं छोड़ेगा हमारे बच्चे। यार कोशिश तो करते हैं, मासूम बच्चे जेल में मर जाएंगे। अरे चलते हैं यार। हमारे बच्चे को करो, हमारे बच्चे को छोड़ो। हमारे पाँव मरते हैं, हमारे बच्चे में दिल मत करो। सरदार रहम करो, हम बच्चा भूख और बीमारी की वजह से मर जाएगा। सरदार हमने हमेशा आपकी गुलामी की है। सरदार हमारे हाल पे खर्च करो, रहम करो हम पे सरदार। मैं छोड़ दो सरदार, आप गल्ला लगाता सरदार, हमारे बच्चों को छोड़ दो सरदार, कैद खाने से निकाल दो उन्हें। उम्र अभी स्कूल जाने की, खेलने कूदने की, उनको जेलों में मत कैद कर सरदार।
अल्लाह का रास्ता छोड़ दो सरदार, हमारे पर करो दिलावर और शब्बीर जी सरदार, इन्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दो और दोबारा नजरें तो इन पर कुत्ते छोड़ दो। दुनिया कब खत्म हो गई हम पर कल हमें सुकून मिलेगा। लश्कर भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, खूने पश्तून ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा।